अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने बेसिक सी चीज़ें कवर की थी, एस्ट्रा थीम के अबाउट किस तरह से इंस्टॉल करना है, टेम्पलेट इंपोर्ट करनी है और बेसिक से कस्टमाइजेशन भी मैंने आप लोगों को बताई थी। आज के इस लेक्चर के अंदर हम कंप्लीट प्रोजेक्ट करने वाले हैं, जिसके अंदर मैं आपको करके दिखाऊंगा एक कंप्लीट वेबसाइट डिज़ाइन, जो कि बिज़नेस वेबसाइट होगी। हम रेस्टोरेंट का बिज़नेस के रेलिवेंट एक वेबसाइट डिज़ाइन करेंगे, जिसके अंदर होम, अबाउट, सर्विसेज या मेन्यू या कॉन्टैक्ट, ये चार पेजेस होंगे। और मैं लोगो भी बना के दिखाऊंगा किस तरह से लोगो बना के दिखाने और बाकी सारी चीज़ें किस तरह से फॉर्म्स वगैरह चेंज करने और ये सारी चीज़ें के बाद मैं आप लोगों के साथ इस पूरे लेक्चर के अंदर बात करूंगा। तो चलें चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर प्रैक्टिकली ये सारी चीज़ें करके देखें। ओके जी, तो हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पे देखें हमारे पास जो हमारा करंट वेबसाइट का व्यू है वो काफ़ी बेसिक है, कुछ इस तरह से व्यू है, राइट। सबसे पहले हम चलेंगे यहाँ से थीम के ऊपर और सिंपल हमने क्या सर्च करना है, यहाँ से एस्ट्रा, राइट। जैसे एस्ट्रा सर्च किया और यहाँ पे हमारे पास ये थीम है, इसको हमने इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद सिंपल हमने इसको एक्टिवेट कर देना है। इंस्टॉल एक्टिवेशन होने के बाद अगर अब हम अपनी वेबसाइट को रीलोड करें तो कुछ इस तरह से हमारे पास बेसिक सा थीम सेटअप हो चुका है। अब हमारे पास यहाँ पे देखें एज़ यूजुअल गेट स्टार्टेड का ऑप्शन मौजूद है, सिंपल इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से ये ऑप्शन नज़र आएगा, ये ब्लैंक स्क्रीन, इसको हमने वापस क्या करना है, डैशबोर्ड के अंदर आ जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ऑप्शन आ गया स्टार्टर टेम्पलेट्स का। तो हमारा जो मोटिव था वो ये था कि हम एक रेस्टोरेंट की वेबसाइट बनाएंगे, तो सिंपल यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे एलिमेंटर और यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारी टेम्पलेट्स आ गई हैं रेस्टोरेंट, और मैंने यहाँ पर ये सर्च किया और यहाँ पर देखिए मेरे पास काफ़ी सारे थीम, बल्कि ये सर्च वाले थीम नहीं आए, तो मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से सर्च करूँगा और एंटर करूँगा। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास काफ़ी सारे रेस्टोरेंट वाले थीम आ गए, लेकिन यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली ये क्या है, प्रीमियम है। और यहाँ पे देखिए हमारे पास एक फ्री वाला जो डिज़ाइन है वो ये वाला है, एक ये वाला है और ये वाला है, ठीक है। इसी तरह से काफ़ी सारे आपको थीम्स नज़र आ जाएंगे अगर आपका ये देखें इसी तरह से। अब किस तरह का थीम आपको चूज़ करना है वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। राइट नाउ मुझे जो डिज़ाइन चाहिए वो एक ये होटल के लिए मेरे ख्याल से, और यहाँ पे ये है रेस्टोरेंट का, तो आई गेस आई शुड गो विद दिस वन। तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ। यहाँ से इस थीम को पहले देखता हूँ कि ये मेरी वेबसाइट पे किस तरह से शो होगा। तो यहाँ पे देखिए काफ़ी कूल लग रहा है ये, तो सिंपल यहाँ पर मैं जो कलर्स हैं वो अपने मुताबिक सेट करूँगा। मेरे ख्याल से कुछ इस तरह के कलर्स जो हैं वो ज़्यादा अच्छे लगेंगे इसके ऊपर। तो मैंने क्या किया, इसके ऊपर ये सिलेक्ट कर लिया, बाकी फॉन्ट्स वगैरह काफ़ी सारे सही हैं। तो मैं इसको कंटिन्यू करूँगा, कंटिन्यू करेंगे सबमिट एंड बिल्ड माय वेबसाइट, सिंपल इस पर क्लिक करूँगा, हमारी पूरी वेबसाइट जो है एग्जैक्टली सेम एज रिक्वायर्ड डिज़ाइन होना स्टार्ट होगी। हमारा पूरा जो डिज़ाइन है वो टेम्पलेट यहाँ पर इम्पोर्ट हो जाएगा। तो सिंपल थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, वेट करने के बाद तमाम जो वेबसाइट है वो उसी तरह से डिज़ाइन हो जाएगी। उसके बाद फिर हम कस्टमाइजेशन की तरफ जाएंगे और फिर किस तरह से लोगो डिज़ाइन करके लोगो ऐड करना, तो ये सारी चीज़ें करेंगे। तो यहाँ पे अब अगर मैं इसको रीलोड करूँ तो ये बेसिकली 90% हुआ है, फाइनल चेंजेस हो रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए 100% हमारे पास हो चुका है। इसको मैं अगेन रीलोड करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास जो वेबसाइट है वो एग्जैक्टली उसी तरह से बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे देखिए डिज़ाइन हो चुकी है, राइट। अब हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले ये एक लोगो डिज़ाइन करना है, उसके बाद फिर हम यहाँ पे इनके अंदर जाएंगे इन पेजेस में और देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हम किस किस तरह से चेंज कर सकते हैं, राइट। और रिजर्वेशन के लिए हम क्या करेंगे, तो सिंपल यहाँ पे देखें हमारे पास ये सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले हम लोगो क्रिएट करने के लिए हम जाते हैं कैनवा के ऊपर। कैनवा के ऊपर जाने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे लोगो, ठीक है। लोगो लिखने के बाद इस पर क्लिक करेंगे और हमारे पास काफ़ी सारे जो लोगो के डिज़ाइन हैं वो यहाँ पे हमें शो हो जाएंगे। तो सिंपल हम यहाँ पे लिखेंगे रेस्टोरेंट इस तरह से, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास काफ़ी सारे जो डिज़ाइन हैं वो यहाँ पे शो होगा, ठीक है। या फिर फूड लिख देते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए काफ़ी सारे अच्छे डिज़ाइन मौजूद हैं हमारे पास। हमारा जो मेन कलर था वो था ये वाला ऑरेंज, सम सॉर्ट ऑफ ऑरेंज। तो हम क्या करते हैं, आई थिंक इसको चूज़ करना चाहिए मुझे, या फिर कोई भी डिज़ाइन यहाँ से जो भी अच्छा लगे हमें हम उसको चूज़ कर सकते हैं, ठीक। तो अभी के लिए
यहाँ पे मैं इसको चूज़ कर देता हूँ, ठीक है, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे, तो मैं इसी को चूज़ कर देता हूँ। और इसके जो ये कलर्स हैं, यहाँ पे देखें हमारे पास ये ऑरेंज एक कलर है, इसका मैं कलर कोड कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसको चेंज करता हूँ इस वाले से, या फिर इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, जबकि इस वाले को चेंज कर देता हूँ ताकि मेरी वेबसाइट के साथ ये थोड़ा सा सिंक हो जाए, ठीक है। अब ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, तौसीक फोन, ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया, मैं सिर्फ इसको तौसीक ही लिख देता हूँ, या जो भी आप इसका साइज़ वगैरह यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो डिज़ाइन है ये कुछ सेटअप हो चुका है, हमारा लोगो बन चुका है, इसको मैं क्या करूँगा, डाउनलोड पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर आप मेक श्योर करें ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड हो, ठीक है, और PNG के अंदर हो, और मैं इसको क्या कर लेता हूँ, डाउनलोड कर लेता हूँ। अब ये लोगो हमारा बन चुका है, सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे लोगो लगाना है। तो लोगो लगाने के लिए मुझे कस्टमाइज के अंदर जाना पड़ेगा, और कस्टमाइज में जाने के बाद यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरह से ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, ठीक है। मैं सिंपल इस पे पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर हमारा लोगो आ गया, चेंज लोगो, और यहाँ पर मैं इस लोगो को पेस्ट कर लेता हूँ या अपलोड कर लेता हूँ, आप भी इस तरह से अपलोड कर सकते हैं। तो अब इसको मैं थोड़ा सा एडिट कर लेता हूँ, यहाँ से मैं एडिट करूँगा, एडिट करने के बाद मुझे इसको थोड़ा सा क्रॉप करना है, तो यहाँ पे ये देखें ये क्रॉप वाला ऑप्शन है, ये फालतू जो स्पेसेस है इसको मैं क्या कर देता हूँ, मिटा लेता हूँ कुछ इस तरह से, ठीक है, लाइक दिस, और मैं इस पर अप्लाई क्रॉप कर देता हूँ। ओके, ये हमारे पास जो क्रॉप है वो हो चुका है। अगेन मैं इसको वेरीफाई करने के लिए देख लेता हूँ, ओके, अप्लाई क्रॉप एंड सेव एडिट्स, तो मैं इसको यहाँ पे सेव कर दूँगा। अब ये देखें और अपडेट कर दूँगा, अपडेट करने के बाद वापस मैं इधर आया और मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, और इसको मैं यहाँ से भी सेटअप कर सकता हूँ, ओके, और यहाँ पे मैं क्रॉप कर देता हूँ, और यहाँ पे हमारे पास लोगो कुछ इस तरह से लग जाएगा। अगेन मैं चूज़ इमेज करता हूँ और यहाँ पे हमारे जो ये लोगो है इसको चूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे हमारे पास लोगो लग चुका है, लेकिन यहाँ पे देखें ये जो बैकग्राउंड है ये यहाँ पे शो हो रहा है, जबकि यहाँ पे हमने जो डाउनलोड किया था वो बैकग्राउंड को रिमूव करके किया था, तो ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड था, और इसका जो बैकग्राउंड है वो मैं रिमूव कर देता हूँ कुछ इस तरह से। अगेन मैं इसको डाउनलोड, और अगेन यहाँ पे इसको यूज़ कर लेता हूँ, राइट। अब जो है इसका बैकग्राउंड नहीं है जो कि हमें ज़्यादा अच्छा सूटेबल लगेगा, ओके, यहाँ पे इसको मुझे क्या करना है, अगेन चेंज करना है, और मैं इसको अगेन एडिट कर लेता हूँ ताकि मैं इसको थोड़ा सा क्रॉप कर पाऊँ। तो ये हमारे पास क्रॉप यहाँ पे आ गया इस तरह से, और ये हमने क्या कर लिया, इसको क्रॉप कर लिया, अप्लाई क्रॉप और अपडेट कर दिया इसको, यहाँ पे अपडेट कर दिया, अपडेट करने के बाद अगेन वापस आया और चूज इमेज कर, ठीक है, इसको मैं अभी के लिए पब्लिश कर देता हूँ और एक बार रीलोड कर लेता हूँ। ओके, अगेन मैं इस लोगो के ऊपर आया और यहाँ पे ये हमारे पास लोगो आ गया। अब यहाँ पे देखें लोगो विड्थ, इसको मैं थोड़ा सा कम कर लेता हूँ कुछ इस तरह से, ठीक है, आपका लोगो यहाँ पे कुछ इस तरह से सेट हो सकता है, या मैं इसको ऑफ कर देता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा इस तरह से सेट कर दूँगा, या आप कोई भी लोगो इस तरह से लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अभी जल्दी के अंदर एक बेसिक सा लोगो बनाया, आप थोड़ा सा अच्छा लोगो बना सकते हैं कैनवा को यूज़ करते हुए, या इलस्ट्रेटर के अंदर बना के और यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, अब मैं इसको कर दूँगा पब्लिश, हमारा लोगो हमें पता चल गया किस तरह से चेंज करना है। यहाँ पे मैंने बेसिक सा लोगो यूज़ किया तो मुझे अच्छा लग भी नहीं रहा, बट आई हैव यूज दैट जस्ट टू शो यू दैट हाउ टू चेंज द लोगो, ओके। तो इस तरह से बना के और चेंज कर सकते हैं। अब मुझे सबसे पहला काम ये हो गया यहाँ पे, और मैं अब बॉटम के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे ये सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक हैं।
अगर मुझे यहाँ से कुछ एडिट करना है तो मैं ये सारी चीज़ें यहाँ से एडिट कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं अपना फ़ोन नंबर अपडेट कर सकता हूँ, ठीक है, जो भी फ़ोन नंबर है मेरा, ठीक है, से लाइक दिस। यहाँ पे अपने वेबसाइट के सोशल मीडियाज़ के लिंक्स लगा सकता हूँ, जो भी मेरी बिजनेस है उसके सोशल मीडियाज़ हैं, कोई और सोशल मीडिया ऐड करना है यहाँ से सिलेक्ट करके आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पे उनके लिंक्स डाल सकते हैं, कोई डिलीट करना हो तो इस तरह से डिलीट करके अपडेट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये है, इसको हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है, ये टेक्स्ट को हम चेंज कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं। तो अब ये बेसिक कस्टमाइजेशन तो हो गई, अब मैं चलता हूँ वापस अपनी वेबसाइट के ऊपर। यहाँ पे देखें, जैसा कि लास्ट लेक्चर्स के अंदर मैंने बताया था कि कोई भी पेज आपको एडिट करना हो तो आपने सिंपल एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करना है, हमारी वेबसाइट एडिटिंग मोड के अंदर चली जाएगी, और एडिटिंग मोड के अंदर जाने के बाद सिंपल हम इसको क्या कर सकेंगे, एडिट कर सकेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास है ये इमेज, ये वीडियो चेंज करनी है, मैंने बताया था बैकग्राउंड यहाँ पे आना है, ये स्टाइल के अंदर आना है, और देखें YouTube की कोई भी वीडियो का लिंक आप यहाँ पे डालेंगे वो वीडियो यहाँ पे चलने लग जाएगी, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे आपने इसको चेंज करना है, इसको चेंज करना है, जो भी चीज़ें चेंज करनी है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। अब ये वाले लिंक्स कहाँ कहाँ पे जाएंगे, तो इनको आप इस तरह से सेट कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ अपनी वेबसाइट पे, और ये मेन्यू वाला लिंक है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे देखें आवर मेन्यू, जब कोई इस पर क्लिक करे तो आवर मेन्यू के ऊपर रीडायरेक्ट हो जाए। वो लिंक मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, रिजर्वेशन के लिए आप क्या कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट अस पे रीडायरेक्ट हो, तो मैं इसको यहाँ पे ये हमारे पास लिंक है, इसको मैं क्या कर देता हूँ, रिजर्वेशन वाले उसके अंदर डाल देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ कॉन्टेक्ट अस, ठीक है, और इस तरह से एडिट हो गया। अब इस तरह से जो भी चीज़ें मुझे चेंज करनी है, जो भी टेक्स्ट, जो भी इमेजेस, जो भी सारी चीज़ें चेंज करनी है वो मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। ये मुझे नहीं चाहिए, इसको मैं इस तरह से डिलीट करके अपडेट कर देता हूँ, ठीक है। तो कुछ इस तरह से चीज़ें हैं। अब यहाँ पे देखें, ये वाला जो सेक्शन है ये काफ़ी बुरा सा लग रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, जो ऊपर वाला सेक्शन है इसके इस बैकग्राउंड के ऊपर जाऊँगा, यहाँ पर जाऊँगा, और इसका जो बैकग्राउंड ओवरले है, सॉरी, यहाँ पे जो इसका बैकग्राउंड है, देखिए यहाँ पे इस तरह से कुछ इसका बैकग्राउंड है, ये वाला बैकग्राउंड था, इसका मैं कलर कोड कॉपी करूँगा और इसके बैकग्राउंड के अंदर भी डाल दूँगा, सॉरी, इधर इसका स्टाइल के अंदर आके ये बैकग्राउंड और ये बैकग्राउंड ओवरले, सॉरी, ये बेसिकली डिवाइडर होगा, शेप डिवाइडर जो कि यहाँ पे मौजूद है, ये टॉप है और इसका जो कलर है वो ये वाला। तो अब देखें यहाँ पे ये काफ़ी सही लग रहा है, स्मूथ लग रहा है, ठीक है। इसी तरह से ये काम आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो इसका जो शेप डिवाइडर है इसको हम मतलब एडिटिंग में आए, स्टाइल के अंदर है, और यहाँ पे ये शेप डिवाइडर है, ये बॉटम पे शेप डिवाइडर लगा हुआ है, ठीक है। इसका कलर जो है मैं इस तरह से सेटअप कर देते हैं जो कि उसका, अब देखें ये काफ़ी स्मूथ सा लग रहा है, ठीक है। तो उसके साथ साथ ही मैं इसको वापस लेके आता हूँ, और यहाँ पे जो भी चीज़ें मुझे चेंज करनी है वो मैं चेंज कर सकता हूँ अकॉर्डिंग टू माई डिज़ायर, और जो भी चीज़ें डिलीट करनी है वो मैं डिलीट कर सकता हूँ। लेट्स सपोज मुझे यहाँ 6 की बजाय 4 चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको डिलीट कर दूंगा और इसको डिलीट कर दूंगा, तो ये 4 हो गए। अब मुझे 6 की बजाय ज़्यादा चाहिए, तो मैं इसको डुप्लीकेट कर दूंगा, इसको सिमिलरली इसी तरह से डुप्लीकेट कर दूंगा, जितने भी चाहिए वो मैं इस तरह डुप्लीकेट करके इनकी इमेजेस और टेक्स्ट वगैरह इस तरह से चेंज कर सकता हूँ, राइट। तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं जो कि एलिमेंटर में मैं पीछे भी सिखा चुका हूँ, आपको अभी बेसिक सी समझ आ चुकी होगी कि कैसे ये चीज़ें एडिट करनी है। अब होम पेज ही एडिट करके मुझे सिर्फ अपडेट करना, और जो भी चेंजेस यहाँ पे हुई होंगी वो अपडेट हो जाएगी। इसी तरह फिर ये होम पेज वाला एडिट हो गया, फिर मुझे अब अबाउट अस के अंदर जाना है, और अबाउट अस के अंदर जाने के बाद जो भी चेंजेस मुझे यहाँ पे करनी है, ये इमेज चेंज करनी है, ये टेक्स्ट चेंज करना है, सिंपल एडिट विद एलिमेंटर करेंगे और क्या होगा, हम एबल हो जाएंगे वो पेज एडिट करने के, और उसके अंदर कोई भी टेक्स्ट या चीज़ें एडिशन या डिलीशन करने के, ठीक है। सिंपल सा मेथड है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। तो ये तो आप चेंज कर लेंगे सारे पेजेस जो भी स्टैटिक हैं,
लेकिन यहाँ पे देखें, अगर हम इस कॉन्टैक्टर्स के अंदर आएँ और यहाँ पे देखें, ये जो कॉन्टैक्ट फॉर्म बना हुआ है, अगर मैं इसको एडिट विद एलिमेंटर करूँ, तो यहाँ पे ये सारे टेक्स्ट वगैरह, फ़ोन नंबर वगैरह चेंज कर सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ से लोकेशन चेंज कर सकते हैं, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, तो ये वाली लोकेशन आ गई, ठीक, इसको मैं अपडेट कर देता हूँ। बट अगर मैं इस फॉर्म को यूज़ करूँ तो यहाँ पे आपको कोड नज़र आ रहा होगा। अब इसके अंदर आपको कैसे पता चलेगा, जो भी यूज़र इसको फिल करेगा वो ईमेल्स कहाँ पे जाएंगी, कौन सी ईमेल पे रिसीव होंगे। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम वापस डैशबोर्ड के अंदर चलेंगे और यहाँ पे हमारे पास आ जाएंगे ये WP फॉर्म्स के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे देखें, ये कॉन्टैक्ट फॉर्म है, इसको हम एडिट करेंगे। एडिट करने के बाद यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नज़र आ जाएगा, ये देखें, सेटिंग्स के अंदर और नोटिफिकेशंस के अंदर। यहाँ पे हम अपनी ईमेल डाल देंगे कि कोई भी शख्स इस फॉर्म को फिल करके सबमिट करे तो हमारी जो डिज़ायर्ड ईमेल जो हम यहाँ पे ऐड करेंगे उसके ऊपर हमें नोटिफिकेशन रिसीव हो जाए, या उसका जो भी क्वेश्चन है वो हमें वहाँ पे रिसीव हो जाए और हम उसको फिर वापस ईमेल के ज़रिए रिस्पॉन्स कर पाएँ, ठीक है। तो ये एक बेसिक सी चीज़ मैंने आपको बताई कि किस तरह से आस्ट्रा थीम को यूज़ करते हुए आप एक बिज़नेस या रेस्टोरेंट की वेबसाइट बना सकते हैं विद इन फ्यू मिनट्स, और बेसिक से अपनी वेबसाइट का डिज़ाइन बना सकते हैं, और बेसिक नहीं कह सकता मैं, काफ़ी अच्छा कह सकता हूँ, ठीक है। और जिसके लिए आपको किसी भी तरह का कोई डिज़ाइनर या कोडर की ज़रूरत नहीं है, आप खुद उसको डिज़ाइन कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं। बहुत ही सारी बेसिक चीज़ें, आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, क्लाइंट के लिए बना रहे हैं, या कोई सर्विस देने के लिए बेसिक स्किल सीखना चाह रहे हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी परफेक्ट चीज़ें, समझ आ रही होंगी किस तरह से ये सारी चीज़ें डिज़ाइन करते हैं, राइट। तो आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी। किसी भी तरह के कोई कन्फ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है, नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों को ज़रूर रिस्पॉन्स करूँगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह।